आप चूल्हे पे खाना बना रही हैं जी, गैस सिलेंडर नहीं मिला? नहीं, मुझे नहीं है गैस सिलेंडर। नहीं मिला? नहीं मिला। सरकार तो इतने बड़े बड़े दावे करती है कि उज्ज्वला योजना दो दो बार निकाली है कि हमने सिलेंडर दिए हैं। पता नहीं, हमें तो कुछ मिला नहीं तो इसलिए हमें सरकार से कुछ लाभ नहीं है। सरकार तो कह रहे हैं कि जो ये चूल्हे से जो महिलाएं परेशान होती है, इतनी परेशानी से वो खाना बनाती है, तो इससे हमने मुक्त कर दिया है महिला। ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी मेहनत से ही करते हैं। अभी देखो सिलेंडर बटे थे, हमें कुछ नहीं मिला। हमें मिलता तो हम बोलते कि हमारे लिए सरकार कुछ कर रही है। जब हमें कुछ कर ही नहीं रही सरकार, तो हम क्यों बोले सरकार के लिए। और थोड़ा जो यहाँ पे बीजेपी को वोट हम देना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जो बीजेपी में अभी कुछ यहाँ पे कोई काम हुआ ही नहीं है। एक प्रत्याशी यहाँ पे सपा और इंडिया गठबंधन, जो कांग्रेस का गठबंधन है, उनकी तरफ से शिवराम वाल्मीकि को टिकट दिया गया है इस जगह से, इस लोक बुलंदशहर लोकसभा सीट से। आपके बीच में आए हो, आप जानते हैं उन्हें? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। किसी भी पार्टी का? किसी भी पार्टी का नहीं आया? किसी पार्टी का भी नहीं आया। हर बार मना कर देते हैं, इसलिए मायावती को ही वोट जाएगी आपके। हमारी बसपा के लोग जो पदाधिकारी हैं या उनके जो सदस्य हैं, वो आते हैं यहाँ पर? नहीं, मोहल्ले में नहीं आते। नहीं आते? नहीं आते। जय भीम दोस्तों, मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ बीग और द वॉइस मीडिया की एक सांझी पेशकश। हम लोग लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट करने निकले हैं, जानने निकले हैं कि लोगों के बीच जो टीवी अखबार वाले जो हवा चला रहे हैं वो कितनी लोगों तक पहुंची और लोगों के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर लोग जो हैं वो वोट करने वाले हैं। हम अभी बुलंदशहर, ये लोकसभा सीट है और इसका कुदैना गाँव है। कुदैना गांव में अगर हम बात करें तो ये जो बस्ती है ये वाल्मीकि समाज की बस्ती है, इसमें बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इस सीट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, सुरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है ये। और जो बसपा की तरफ से यहाँ पे कैंडिडेट है वो गिरीश चंद जाटव हैं, जो नगीना से सांसद है। और सपा ने जिनको टिकट दिया है, सपा और इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो वहाँ यहाँ पे शिवराम वाल्मीकि हैं। और वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है इस सीट से वो खटीक समाज से हैं। तो ये इस सीट का पूरा हाल है, ये बस्ती है मेरे पीछे। मैं लेके चलूँगा आपको, आप देखिए कि किस तरीके से आज भी लोग जीते हैं। तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है, उनकी मार्केटिंग की जाती है के गैस सिलेंडर पहुंचा है, योजनाएं पहुंची हैं। दलित बस्ती है, वाल्मीकि समाज के घर है। ये देखिए, आज भी आप अगर देखेंगे तो सोचेंगे कितने साल पहले आ गए हैं। लकड़ी से खाना बन रहा है चूल्हे पे, यहाँ पर लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? विजयपाल सिंह। विजयपाल जी, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल चुनाव आ रहा है जी। क्या माहौल लग रहा है आपको? किसका माहौल लग रहा है? मोदी जी का ही है ये, मोदी जी का माहौल है यहाँ तो, वोटिंग मोदी जी को ज़्यादा है। अच्छा, मोदी जी का माहौल बना हुआ है। अच्छा, एक जो सपा और कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी है शिवराम वाल्मीकि, वो आप ही के समाज से हैं, जानते हैं आप उन्हें? जी सबको जाने, लेकिन हम तो सिर्फ मोदी जी का साथ अपने, मोदी को वोट डाल देते हैं। क्यों देंगे मोदी जी को वोट? मोदी ने सब कुछ सुविधाएं दे रखी है, गैस सिलेंडर दे रखे हैं और भी चीज़ बहुत। आप चूल्हे पे खाना बना रहे हैं? बना लेते हैं कभी कभी, चूल्हे पे बना लेते हैं, रोटी बनती है चूल्हे पे, सब्जी गैस पे बन जाती है। रोटी चूल्हे की अच्छी लगती है, चूल्हे पे खाना बनता है हमारा। गैस का भी उपयोग हो रहा है वैसे, गैस का भी उपयोग? हाँ, गैस का उपयोग हो रहा है, लेकिन सिलेंडर थोड़ा सा महंगा हो रहा है इस टाइम पे वैसे। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं हम। कितना कमा लेते हैं? वो 500 रुपये की मजदूरी होती है, अब तो 500 की हो गई है, पहले 400 ही थे, अब 500 की हो गई, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। बच्चे हैं आप? हाँ, बच्चे, 4 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में ही, अभी तो अभी सरकारी में डालेंगे, फिर देखेंगे, फिर ना पढ़ पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं है ठीक से, तो प्राइवेट में डालेंगे फिर, यही है। इस चुनाव में आपके वाल्मीकि समाज के और इस गांव के जो जितने भी घर हैं दलितों में, उनके क्या मुद्दे होने वाले हैं, किन मुद्दों पर आप? ज़्यादा कुछ नहीं जानते हम तो, इतना ही है, बस मोदी जी को वोट डालनी है, यही है, हमें ज़्यादा हम इतने कुछ नहीं जानते। अच्छा, मोदी जी को वोट डालनी है तो मोदी जी को डालनी है। पर क्यों डालनी है ये आपको थोड़ा सा? पहले से हम तो उनके ही साथ हैं और अब से मोदी जी को डालनी है वोट, यही है, और जैसे बुजुर्ग लोग बता देंगे। देखिए हमारे साथ युवा भी हैं, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम नाम है आप जी, क्या करते हैं आप?
मैं यहीं घर पे रहता हूँ वैसे अभी फिलहाल में। पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई आठवीं से छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ दी जी। तो अभी आप घर में ही रहते हैं जी? क्या माहौल है आपका? अब वोट बना है आप? वोट बन गया जी। क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे माहौल थोड़ा सही नहीं लग रहा। चुनावी क्या माहौल है? चुनावी माहौल भी अभी कुछ सही नहीं यहाँ पे। और थोड़ा जो यहाँ पे बीजेपी को तो वोट हम देना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जो बीजेपी में अभी कुछ यहाँ पे कोई काम हुआ ही नहीं है। हमारा पहले जो घर था बहुत ही बेकार था, मतलब जो पानी बारिश भी आती थी तो पानी इतना बरसता था बहुत ही। कई बार दिखाया, अभी कोई अधिकारी भी आए बहुत, किसी ने कुछ नहीं। प्रधान भी आए यहाँ के जी, अब के हो जाएगा, कुछ नहीं। आखिर के हमने अब खुद से ही करवाए यहाँ पे, जो भी करवाए रास्ते के लिए बोला। पहले जो ये रास्ता हुआ मायावती का ही उसका लगा हुआ है यहाँ पे, नहीं तो पहले कच्चा था वो। अब इसकी दो तीन बार कह दिया, कुछ नहीं हुआ है अभी तक यहाँ पे, हर बार मना कर देते हैं, इसलिए मायावती को ही वोट जाएगी अब के हमारी। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुना है आपने? जी सुना है। जानते हैं उनके बारे में? जी जानते हैं। आप युवा हैं, आप कह रहे हैं कि हाथी पर वोट जाएगी जी। एक बात मैं आपसे पूछूंगा, सच सच बताइएगा। बिल्कुल। खैर आप युवा हैं, आपको शायद हो सकता है अगर मैं उनसे पूछूं तो वो बता पाए कि बसपा के लोग जो पदाधिकारी हैं या उनके जो सदस्य हैं वो आते हैं यहाँ पर मोहल्ले में? नहीं आते। नहीं आते? नहीं आते। कभी प्रयास होता है आने का? कभी नहीं हुआ जी आज तक। अच्छा, उन्होंने जैसे बताया कि मैं जो हमारा वोट है वो मोदी जी को जाएगा, भाजपा को जाएगा, उसका रीजन ये है। तो क्यों जाएगा, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्यों जा रहा है। उनका लिया ये है रीजन, उनको क्या बोलते हैं राशन पानी की उन्हें दिक्कत नहीं है, टाइम से आ रहा है इस टाइम उनका, जो भी इनकी दिक्कत है उनको सॉल्व हो रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। वैसे मोहल्ले में कोई सुधार नहीं है हमारे यहाँ पर, उनको अच्छा लग रहा होगा इसलिए वो बोल रहे हैं, कुछ उनके लिए करा होगा, हमारे लिए तो जी आज तक यहाँ कुछ नहीं है। मतलब क्या आपको लगता है कि क्या क्या इस क्षेत्र में आपके काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? और जैसे शिक्षा, एक आपने छोड़ी शिक्षा, शिक्षा एक मसला हो सकता है। क्या इस गांव के, इस समाज के क्या मुद्दे हैं? समाज के तो यही मुद्दा आज यहाँ पे, एक तो पहली बात तो कोई एकता नहीं है समाज के अंदर हमारे यहाँ पर, इसलिए सब अलग अलग बातें करते हैं। किस तरीके से एकता नहीं है? किस तरीके से, बस घरों की बातें, थोड़े थोड़े लड़ाई झगड़ों में एकता बिगड़ जाती है, इसलिए एकता नहीं है। शेड्यूल कास्ट में भी, एससी में भी? एससी में नहीं, उस साइड तो बहुत एकता है हमारी, यहाँ पे नहीं, इस साइड नहीं है। मैं वाल्मीकि हूँ, जाटव समाज में खूब एकता है हमारी। वाल्मीकि में एकता नहीं है? वाल्मीकि में एकता नहीं है। मैं जाटव में दिन रात निकल जाता है मेरा, बहुत एकता है हमारी जाटव में, पूरे घर हमारा। मोदी दूसरा का गुलाम बनाना चाह रहा है, लेकिन वो बात नहीं चलेगी आगे को। वही मैं फिर पूछूंगा कि मुद्दे क्या हैं, क्या आपको जो लगता है कि ये काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? ये ऐसे बहुत काम है जो हमारे इधर नहीं हुए। यहाँ के जो सांसद है वो आते हैं यहाँ पे कभी गांव में? क्योंकि ये एकदम पीछे को निकल के ये बस्ती शुरू होती है। गांव कहाँ से शुरू होता है और बस्ती कहाँ शुरू होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं भी वीडियो में तो एकदम ये एकदम कोने में लगे हुए कुछ घर हैं और बस्ती है ये, तो ये एकदम कोने में है। तो वो अगर गांव में यहाँ आते भी होंगे तो इधर कभी आते हैं? मेन कारण सर ये है, आज तक हमने गाड़ी लेने के लिए सोची ना, कोई हमारे यहाँ पे शादी ब्याह भी होता है तो हमें चार पहिए की कार का रास्ता तक भी नहीं है यहाँ पे आने के लिए, वहाँ तक उतरना पड़ता है पल्ली साइड को, जहाँ से आप आए हो गए, नहीं इस साइड से आए हो, वहाँ गली में कोई हमारा घर भी बनना है तो वहाँ से ही ढोनी पड़ेंगे हमको। आज तक इतना टाइम हो गया, यहाँ तक कोई एक रास्ता भी नहीं है, जो कोई गाड़ी आ जाए, कोई रिक्शा आ जाए, उसकी भी सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं हुई? कोई नहीं। तो सर ये जो मेन कारण है, एक तो रास्ता नहीं हो पा रहा है, इससे हम बहुत परेशान हैं। अरे एक साथ थोड़ी जो जब से मोदी सरकार आई है, हमारी वाल्मीकि समाज से जो रोजी रोटी थी, जो लोग काम करते थे, वो काम भी काफ़ी हट चुके हैं, अब ऐसी कोई नई योजना नहीं है। मायावती की इसमें हमारे मामा ही लगते हैं, इनकी सरकारी नौकरी लगी थी, और हम फार्म डालने कुछ भी डालने नहीं लगते, कैंस इनकी लगी थी उस टाइम पे, नहीं पैसे जमा हुए तो नहीं, मायावती को उसमें ऐसी नौकरी लग गई थी। इनकी ये जो सामने घर, ये सरकारी नौकर है, हमारे मामा ही लगते हैं। अच्छा हैं अभी वो? नहीं, इस टाइम वो खेत काटने गए हुए हैं बाहर, इसलिए हमें तो सर मायावती का ही वोट देनी है। और मेन कारण सर एक ये रास्ता, और बहुत ऐसे काम है जो हमारे नहीं हो पा रहे हैं, नहीं कोई बिजली की सुविधा थी, पहले मीटर भी लगवाया फिर टूट के फेंक दिया,
तो ये आपके मुद्दे हैं, सड़क एक अहम मुद्दा है उसमें। सड़क मेन मुद्दा है सर, बहुत ही परेशानी से। तो अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं जानना चाहूँ तो आपने 8वीं क्लास तक आपने पढ़ाई की फिर छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया था? सर वो घर की मजबूरी हालात ऐसे थे, हम तीन भाई हैं, हमारे एक भैया बड़े, हमारे पापा दारू ज़्यादा पीते थे, कोई घर में कमाने वाले नहीं था, इसलिए मैंने सर पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैं अभी काम पे लग गया था, कभी कभी काम पे जाता हूँ, फिर कभी नहीं लगता कभी लगता है, ऐसे ही बस। कितने घर हैं लगभग यहाँ पर, अगर मैं आपको आप अगर आप दिखा पाए हमें? देखिए किस तरीके से ये लिपी हुई दीवार है, आप ये सोचिए कि आप अगर इनको देखेंगे तो लगेंगे कि कितने साल पुराने दौर में आप आ गए हैं। ये देखिए ये कच्चा घर है गांव में। क्या नाम है आपका? रेनू जी। रेनू, रेनू जी, आप चूल्हे पे खाना बना रही हैं जी? गैस सिलेंडर नहीं मिला? नहीं, मुझे नहीं है गैस सिलेंडर। नहीं मिला? नहीं मिला। सरकार तो इतने बड़े बड़े दावे करती है कि उज्ज्वला योजना दो दो बार निकाली है कि हमने सिलेंडर दिए हैं। पता नहीं, हमें तो कुछ मिला नहीं था, इसलिए हमें सरकार से कुछ लाभ नहीं है कोई भी, किसी तरीके का लाभ किसी तरीके का भी कोई लाभ नहीं है। ये भी घर हमने अपनी मेहनत का बनाया है। सरकार तो कह रहे हैं कि जो ये चूल्हे से जो महिलाएं परेशान होती है, इतनी परेशानी से वो खाना बनाती है, तो इससे हमने मुक्त कर दिया है महिला। ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी मेहनत से ही करते हैं। अभी देखो सिलेंडर बटे थे, हमें कुछ नहीं मिला। हमें मिलता तो हम बोलते कि हमारे लिए सरकार कुछ कर रही है, जब हमें कुछ कर ही नहीं रही सरकार तो हम क्यों बोले सरकार के लिए। मजदूर इंसान है, दिहाड़ी करके आते हैं। आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? हम लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उसी से अपना पेट पालते हैं हम। आपके घर में किसी के पास नौकरी है? नहीं, मेरे पास किसी के घर में नौकरी नहीं है। अभी मेरा घर वाला अभी भी क्या वहाँ गया है मजदूरी पे, इसलिए हमें तो कोई लाभ नहीं है किसी तरीका का। सरकार तो कह रही है कि हमने लोगों के घर भी बनवाए हैं, जिनके घर बनवाए हैं लोगों के, वही सरकार उनको वो कर रही है, लेकिन मेरा घर नहीं बना। ये तुम देख रहे हो, ये पहले यहाँ बहुत बुरा आता था, ये हमने अपनी मेहनत का करवाया, कर्ज पे लेकर पैसा बनवाया है। हमें कोई लाभ नहीं है किसी चीज का भी सरकार से। ये आपने क्या कमल बना रखा है? ये कमल है, वो गुलाब। ये आपने खुद ली पाए? क्यों ली पाई? सही लग रहा हो? अच्छा लग रहा है इसलिए ली पाई है, अच्छा लगता है हमें। अच्छा एक बात बताइए आप, वो सरकार कह रही है कि हमने महिला सुरक्षा में बहुत काम किया है, महिला यूपी जो है वो सुरक्षित है महिलाओं के लिए, आप महिला बतौर महिला कितना सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ? हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं जो हम सुरक्षित रहे। रात में आप मतलब सोचना नहीं पड़ता आपको, आप कहीं भी आना जाना चाहें तो जा सकती हैं, ऐसा है यहाँ? नहीं जा सकते इसलिए। अच्छा तो किन मुद्दों पर आप वोट देंगे इस बार, किन मुद्दों पर वोट देंगे? पता नहीं, वोटों की तबारे में। अच्छा एक 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 सवाल और मेरा रहेगा, ये आखिरी सवाल रहेगा। एक प्रत्याशी यहाँ पे सपा और इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का गठबंधन है उनकी तरफ से शिवराम वाल्मीकि को टिकट दिया गया है इस जगह से, इस लोक बुलंदशहर लोकसभा सीट से। आपके बीच में आए हो, आप जानते हैं उन्हें? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। किसी भी पार्टी का? किसी भी पार्टी का नहीं आया? किसी पार्टी का भी नहीं आया। वोट मांगने तक नहीं आया? नहीं, नहीं आया। तो ये बुलंदशहर सीट है, यहाँ पे सुरक्षित सीट है, और यहाँ पर ये बस्ती जो मैंने आपको दिखाई, ये वाल्मीकि बस्ती है, और ये लोग जो मैंने आपको दिखाए, इनका कहना है कि कोई भी नेता चाहे वो किसी भी पार्टी किसी भी दल का क्यों ना हो, वो यहाँ पर नहीं आया है इनके बीच, चुनाव में वोट मांगने तक नहीं आए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से चूल्हे पे आज भी खाना बन रहा है, तमाम इतने बड़े प्रचार प्रसार हो रहे हैं कि उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला 2.0, लेकिन आज भी वाल्मीकि समाज के लोग, दलित समाज के लोग चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर हैं। और इस तरीके से जिस तरीके से आपने देखा गलियां जो हैं, सक्रिय गलियां हैं,
कोई अगर जिस तरीके से लोगों ने बताया कि गाड़ी लेके आना चाहें तो वो नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे नहीं आ सकता है कोई। तो ये कुछ हाल है बुलंदशहर सीट का, और इसी तरीके की और वीडियो हम आपको अपने चैनल पे और दिखाते रहेंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए द वॉइस मीडिया और द न्यूज़ बीक। जय भीम, जय भारत।